मोदी जी के स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ाता, यह है रेवाड़ी। जहां पब्लिक टॉयलेट का तमाशा बन गया है। ये भी गौर कीजिए कि ये लेडीज टॉयलेट है। बाहर तख्ती लगी भी हो तो फर्क क्या पड़ता है? अगर फर्क पड़ता तो इस टॉयलेट में पुरुष जाते ही क्यों? टॉयलेट तो बना हुआ है लेकिन यहाँ पे ना तो कोई कर्मचारी आता है ना कोई सफाई है और सारी गंदगी फैली पड़ी होती है और खराब बैठे रहते हैं, फेंक देते हैं, लेटे कर जाते हैं यहाँ पे। क्या पानी है यहाँ पर? होती रहती है। पानी है यहाँ पर? नहीं, पानी है यहाँ पे नहीं। पानी की कोई पानी की व्यवस्था नहीं? कोई सफाई कर्मचारी आता है? सफाई कर्मचारी नहीं आता। लोग परेशान हैं, नगर परिषद से शिकायतें की गईं, लेकिन जैसा होता है वैसा ही हुआ, कोई फर्क किसी पर नहीं पड़ा। हम दो तीन बार हमारे कर्मचारी उसको सफाई करते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा है कि सफाई होना तो हो सकता है 10 मिनट बाद ही उसको खराब करते हैं। यूज करने वालों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए हमने तरीका निकाला कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर जितने हमारे टॉयलेट हैं ये सब हम उस पर कॉन्टेक्ट करने जा रहे हैं। ये टॉयलेट अपनी हालत की कहानी खुद बयां कर रहा है, हमें इसके लिए कुछ बयां करने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए, और जब मन भर जाए तो जरा स्वच्छता अभियान के इस पोस्टर को भी निहार लीजिए जिसमें सफाई की चमचमाती तस्वीर है और गंदगी दूर करने का नारा। R9 TV के लिए रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट।